नमस्कार। आज मैं आपको संगीत में सा या षडज किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपने या हर भारतीय ने या अक्सर सभी लोग जानते हैं कि संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध और नी, जिसको हम उसका जो एक्सपांशन करें तो षडज, सा यानी षडज, रे यानी ऋषभ, ग यानी गंधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध है धैवर और नी निषाद, ऐसे 7 सुर हैं। पर हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ सा की। बाद में हम अगले वीडियोस में आपको सा और बाकी सुरों की कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं या उनकी क्या नंबरिंग है या कैसे उसको आगे बढ़ते हैं उस बारे में आपको बताएंगे। अब सा क्या चीज़ है? सा जो है सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो गाना गाते हैं, जिन जो सिर्फ भजन या वो ऐसे समझ लीजिए शौकिया गाने वाले हैं, इनको शास्त्रीय संगीत से कोई मतलब नहीं है, वो भी गाना गाते हैं। पर अक्सर आपने देखा होगा कि गाना गाते हुए आप एक अपने लिए कन्वीनियंट स्केल या अपने लिए कन्वीनियंट एक लेवल चुनते हैं, उसको हम सा का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई गाना गाया कि हम फिल्मी गाना गाते हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्मी शौकिया गायक हैं जो बढ़िया सुर में गाते हैं, उनको संगीत की कोई समझ नहीं होती पर वो सुर में गा लेते हैं। अब क्या है कि अब हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई गाना है, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मान लीजिए गाने का मैंने एक लाइन या मुखड़ा बोला, तो अब ये गाना किसी ने बहुत बढ़िया सुरीला गा लिया, पर ये यदि किसी को कोई आपके साथ में मान लीजिए कोई तबले या हारमोनियम या गिटार या वायलिन या कुछ भी लेके साथ बजा रहा है या कोई ऑर्केस्ट्रा में बजा रहा है, तो वो ये गाने को पहले आपका सुर कौन सा है उसके हिसाब से उसको फिक्स करेंगे, सेट करेंगे, सा को फिक्स करेंगे, क्योंकि तब जाके वो बजा पाएंगे। अदरवाइज आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने कुछ भी गाना शुरू कर दिया और डॉक्टर साजिंदे जो हैं वो सब जो बजाने वाले हैं उनका सुर आपसे मिल नहीं रहा या वो कहीं सिंक्रोनाइज नहीं है, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर ऑर्केस्ट्रा या गाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग एक सुर में गाएं। वो सुर क्या है, गाएं या बजाएं, तो वो सुर क्या है, वो है सा। अब सा मतलब क्या? सा वैसे देखा जाए तो एक सिंपल भाषा में बोले तो एक ध्वनि का ऊंचाई का नाम है। मतलब हमने कहा कि आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ यानी अब जय आवाज़ आ रही है या आवाज़ आ रही है या आवाज़ आ रही है, अलग अलग इसमें हम अलग अलग सुरों में गा सकते हैं या बोल सकते हैं। बोलने में भी एक आवाज़ आ रही है, पर यदि हम सा, यदि हम संगीत में यदि हम सारे गम बोलते हैं तो उसमें जब तक वो गुंजन नहीं होगी आवाज़ में, या फिर इवन आप पत्थर या फिर ताली बजेगी तो वो उसमें कोई आवाज़ तो आ रही है या हम बोलचाल में आवाज़ आ रही है, पर उसमें कोई संगीत नहीं है। संगीत कैसे आता है? जब किसी भी स्विच में हम टन जैसे तार में को छेड़ेंगे तो हम उसमें आवाज़ आएगी टन, जैसे हम तानपुरा आवाज़ करेंगे तो एक तार छेड़ रहे हैं, अभी हम इसको हमने सेट किया हुआ है सा पे, मतलब हमारे लिए
ये हम पहला काला या सी शार्प में सेट किया हुआ है। तो एक सुर हम सेट करते हैं। अब सुर यानी कि आप जैसे अब ये एक ये घंटी है, अब घंटी से भी जो आवाज़ निकल रही है वो भी सुरीली आवाज़ है। तो उसमें जो गुंजन आएगी मतलब वो ताली वाली आवाज़ से तो सुरीली है, क्योंकि तो उसमें एक नपट एक सुर निकल रहा है उसमें से। अब वो सुर जो है मतलब ऐसे किसी भी सुर को जिसमें कि संगीत या जिसमें जो वाइब्रेशन हो या कंपन निकले हम उसको सुर कहेंगे। और ये जो ताली है या पत्थर या फटाक की आवाज़ हुई वो सब जो है वो सुर नहीं है। तो हम पहले ये डिस्टिंग्विश करें कि हम सुर क्या है और जो जड़ सुर क्या है, जड़ आवाज़ क्या है, जिसमें कोई सुर जिसमें कोई कंपन नहीं हो, जिसमें कोई वाइब्रेशन आगे तक जाएंगी नहीं, वो हम उसको सुर नहीं कह सकते। और सुर में भी हम पहले बोलेंगे हम सा, तो सा का मतलब यह है कि हम एक बेस सुर की बात करते हैं जो कि किसी भी गाने या बजाने या ऑर्केस्ट्रा के लिए एक बेसिक स्वर होता है। स्वर का मतलब है कि गले से निकलने वाला कन्वीनियंट सुर जो कि मेल वॉइस के लिए नॉर्मली पहले काले में हो सकता है या लेडीज़ के लिए नॉर्मली वो चौथा काले का सुर होता है। वो एवरेज की बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है सबका, किसी का ऊपर भी होता है किसी का नीचे होता है, डिपेंड करता है। पर नॉर्मली ऑन एन एवरेज मेल वॉइस की जो आवाज़ है वो थोड़ी पहले काले के आसपास घूमती है और लेडीज़ या बच्चों की आवाज़ जो है वो चौथे काले के आसपास घूमती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे फर्क होता रहता है। अब ये उस सुर से हमको मतलब है कि हमने मतलब एक सुर का मतलब जो हमने साज बताया वो एक फ्रीक्वेंसी का नाम है या एक कंपन का नाम है। तो वो एक आवाज़ जैसे मान लीजिए एक लंबी सी उसका उसकी कंपन काफ़ी दूर तक काफ़ी देर तक के लिए सुनाई दे रही है तो हम इसको बोलते हैं सा। अब ये जो सा है अभी हमने इसको यदि वो लेडीज गाएंगे तो वो अभी हम हारमोनियम में निकालते हैं मान लीजिए तो वो कैसे होगा। अब ये हमारा जो तानपुरे में निकल रहा है लगभग इसके बराबर का है। हारमोनियम को हमने इसके साथ मिलाया नहीं है पर थोड़ा बहुत 19-20 है पर फिर भी लगभग वह पहले काले में तानपुरे हारमोनियम के इसमें मिल रहा है आपको। हम जैसे दिखाएं तो ये तानपुरा या तो ये वाला जो सुर है वो पहला काला है। ऐसे ही आप चौथे काले में करेंगे तो ये और हम हमारा जो सुर भी सुर हो सकता है लेडीज का नॉर्मली सुर होता है या सा उनका बारीक सुर होगा। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे हम कौन सा वाले सुर में गा रहे हैं। पर हमने मान लीजिए कुछ भी गाएंगे तो हमको एक पहले ये फिक्स करना पड़ेगा कि सा उसका क्या है। तो हम ये बहुत ध्यान से कोई भी गाना गाएं, अब मान लीजिए कोई हम मंत्रोच्चार गा रहे हैं मान लीजिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब ये है मान लीजिए हम इसको इस सुर के साथ गाएंगे तो फिर वो उसके भाव और थोड़ा वजन बढ़िया हो जाएगा क्योंकि एक बैकग्राउंड में एक सुर रहेगा। तो श्री कृष्ण गोविंद
सुर लिया जो कि सा, उसको हमने सा माना, उसके करस्पॉन्डिंग हमने इस गाने को गाया तो वो गाने में भराव आ गया क्योंकि एक से बैकग्राउंड में म्यूजिक आ गया, ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा साथ में बजता है तो वो गाना अपने आप सुरीला गाने सुनाई देने लगता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने किस सा में गाएंगे। ज़्यादातर लोग जो शौकिया गाते हैं उनको अपना सा नहीं मालूम होता है, और सा इतना जानना इतना मुश्किल थोड़ा सा रहता है जो जिसको संगीत की समझ नहीं है, पर संगीत जो जानकार है उसको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका किस लेवल के आसपास आपका सा है। वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, हारमोनियम में आपका गाना सुन बजा के देखेंगे तो आपको उनका समझ में आ जाएगा कि आपका सा इसके आसपास कहीं घूम रहा है। तो वो एक पार्ट हुआ। कई बार मेरे साथ कई मेरे स्टूडेंट्स और कोई भी कोई पूछता है कि साहब ये कोई गाना है ये कौन से राग पर आधारित है। अब राग पर आधारित, राग के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि राग क्या होते हैं, पर अब जब तक आपको यदि किसी का राग पता करना है तो वो जब तक उसका बेस सुर, उस गाने का सुर का सा कहाँ है जब तक वो नहीं आप डिसाइड करेंगे तब तक आप उस राग, उसके राग को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है यदि मान लीजिए मैंने यदि तानपुर में मैंने सा ये लगाया तो सा, अब मान लीजिए मैं कोई गाना गाता हूँ करके हमने एक कोई गाना गाया, तो वो गाना यदि और उसमें सा हमको यदि ढूंढ लिया तो वो हमको उस राग को आसान ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। अभी हमने सा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा मेरा मन प्यासा। अब इस गाने का जो सा है वो सा ये वाला सा है। अब जब तक यदि आपको ये सा नहीं मालूम होगा, यदि सा नहीं मालूम होगा आपको कि इसका कहाँ है, तो फिर आप उसके करस्पॉन्डिंग उसके बाकी के सुरों को कैसे पहचानेंगे। तो बाकी सुरों को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपका एक बेस सुर तैयार हो जिसको हम सा कहते हैं। तो वो जैसे ही आपका सा एक बार तैयार हो गया फिर आपको उस राग उस गाने में कौन से सुर बज रहे हैं, सा रे ग प द स द ब ग रे द स, ये राग शिवरंजनी है उसमें आधारित ये गाना है। अब शिवरंजनी वाला राग की डेफिनेशन अलग है, हम उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पर जब तक आपको सा नहीं मालूम होगा तब तक आप उस राग शिवरंजनी को भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आपको यदि सा नहीं पता है तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग बाकी के सुर क्या लग रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर सुर के साथ ही कंपेयर करेंगे ना कि वो सा के करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला सुर है, या जैसे मान लीजिए ये घंटी बज रही है सा
ये करस्पॉन्डिंग हमारे सा के हिसाब से घंटी का सुर जो है वो कोमल निषाद है, तो वो घंटी अब अपनी अलग से बज रही है, पर हम यदि अपने सा के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको पर यदि हम उसी को सा मान लेंगे तो हमारे लिए फिर वही सा हो जाएगा। ये घंटी का सुर जो है वो हमारा सा है। अभी हम इस सा इसके सा को ले रहे हैं, मेरे सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो ये सा हमने इसके अगेंस्ट में सा में गाना ले लिया, या आप कोई भी गाना निकाल सकते हैं और उसके यदि आपको सा उसका समझ में आया, कोई भी गाना किसी ने सुनाया, तो आप पहले उसका सा ढूंढते हैं और एक बार सा ढूंढ मिल गया आपको उस गाने का, तो फिर बाकी के सुरों को ढूंढना कंपेरेटिवली आसान हो जाता है और फिर आप राग की डेफिनेशन यदि आपको मालूम हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा राग है ना? तो ये अभी हम ये मान लीजिए अभी हम चौथे काले में लेते हैं हारमोनियम में, चौथे गाले में गाया, तो वो गाना वही गाना आप अलग अलग सा के हिसाब से गा सकते हैं। मतलब सा का ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हमको हमारा सा मतलब हमारे लिए वो सा एक फिक्स है जिसके लिए हम नॉर्मली जैसे मैं पहले काले से गाता हूँ, कोई जैसे लेडीज़ के बताया मैंने चौथे काले से गाते हैं, तो वो कुछ भी सुर हो सकता है सा, और अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपना सा सिलेक्ट करते हैं, पर हम हमारे लिए स्वतंत्रता है कि हम किसी भी स्केल में गा सकते हैं, मतलब चौथे काले से गाएं या पहले काले से गाएं। जैसे आपको हमने दिखाया एक ही गाना हमने तीन अलग अलग सुरों में गा के दिखाया, तो वो बात अलग है, हमको पहले ढूंढना होगा सा क्या है, तो इसलिए सा जानना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही आप एक बार सा जान लेते हैं तो आपके लिए फिर रास्ता आसान हो जाता है। तो आगे हमको इसी पर मनन करना है कि आप सा को कैसे ढूंढेंगे या सा की क्या वैल्यू है, आप इसके ऊपर गौर करें, फिर आगे हम आगे इसके बारे में बाकी सुरों से क्या रिलेशनशिप है इसकी बारे में बताएंगे। यही नमाज समाप्त करते हैं, नमस्कार।